मकरंद देवलीगर निरल की गेंदबाज स्ट्राइकर इन पर विजय पार्डे मैन फ्रॉम माथेरान। तो काफी अच्छे क्रिकेटर आज मुझे देखने का मौका मिल रहा है। आज क्या मेरा टर्न है इस कर्जत प्रीमियर लीग में बतौर कमेंटेटर। पहली गेंद फुल टॉस थी, फायदा नहीं उठा पाए विजय पार्डे, डॉट गेंद आई। देखिए एक एक की गेंद कीमती रहती है यहाँ पर क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट में डॉट गेंदें खेलना उनकी टीम के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है, लेकिन फिर भी शुरुआती गेंदों को खेलना, गेंद के ऊपर नज़रें जमाना और उसके बाद बड़े स्ट्रोक सीधा सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर खिलाड़ी तैनात है, एक रन ज़रूर मिला और इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल खाता खुल चुका है मेरे ख्याल से टीम 40-40 वॉरियर्स का। प्रसाद थोरवे जिस टीम के फ्रेंचाइजी है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो गुरु दादा मशने गुरु इलेवन के फ्रेंचाइजी, दो बड़े ताकतवर फ्रेंचाइजियों के बीच ये कर्जत प्रीमियर लीग का थ्रिल और सस्पेंस लीग स्टेज का आज के दिन का ये दूसरा मैच। कल कर्जत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ इस कर्जत प्रीमियर लीग के कि पांचों टीमों ने दो दो मैच जीते, पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन आज देखिए विजय पवार की टीम रिया इलेवन बिल्डेज डेवलपर्स कर्जत ने पहला मैच अपना जीत चुका है। लीग स्टेज में ना आपको पहला मैच जीतना बेहद ज़रूरी होता है, चाहे वो रॉबिन राउंड मेथड हो या पॉइंट्स टेबल हो, पहला मैच जीतना ज़रूरी होता है क्योंकि दूसरे मैच में आप चेंजेस कर सकते हो, ख़ास तौर से अपने खिलाड़ियों की अदला बदली कर सकते हो। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश बल्लेबाज अमोल भोईर द्वारा, चूके वहाँ पे मकरंद हेवलीकर काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे क्रिकेटर है ये। मैच नंबर दूसरा है, 25 मिनट के अंदर आपको ये पांच ओवर ख़त्म करने हैं। अंपायर से मैं ज़रूर अनुरोध करना चाहूँगा कि खिलाड़ियों को ज़्यादा इकट्ठा होने का मौका ना दिया जाए। थोड़ी देर गेंद हवा में, ऐसा लगा था 40-40 वॉरियर्स का, ये वॉरियर्स सदमे में आ सकता है, लेकिन नो मैन्स लैंड एरिया में गेंद गिरी, रन मिले दो और इन तीन रन स्कोर कार्ड के ऊपर इन दो रनों के बदौलत। जबरदस्त क्रिकेट का माहौल तैयार किया जा चुका है आदरणीय विधायक महेंद्र सिंह थोरवे क्रीड़ा संकुल और अमोल भोईर ने इस गेंद को खेला है कवर्स में। कितने नंबर यहां से कपड़ा होने के कारण नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन अंपायर का इशारा डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, चार रन। शुक्रिया। तो चलिए इस मैच में हम संदीप गायकवाड़ को पूरा आराम देंगे क्योंकि गुरु इलेवन के टीम मैनेजर है वो, मैनेजर मैनेज करते तो मैनेजर। 40-40 वॉरियर्स बनाम गुरु इलेवन। चलिए 25 मिनट के अंदर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको पांच ओवर, 10 आज के दिन जो मुकाबले उनमें से पांच मुकाबले अगर 7 बजे पहले ख़त्म होते हैं तो 11:30 बजे आज मैचेस हो सकते हैं पूरे। पहले दिन रात के 4, दूसरे दिन 12:30 बजे ना, अच्छा 14 बजे का 12:30 बजे और तीसरे दिन 2:30 बजे और आज ये चौथा दिन, दिन और रात की ये श्रृंखला। रिया इलेवन बिल्डर्स डेवलपर्स कर्जत ने अपना पहला मैच जीता है वसीम इलेवन से, लेकिन यहाँ पर कौन जीतेगा, 40-40 वॉरियर्स या फिर गुरुमस ने तेज फुल टॉस डाली गई थी, कैरी नहीं कर पाए बल्लेबाज नए गेंदबाज जिन्होंने इस दूसरे ओवर की शुरुआत की, मनोज बवारे। मनोज बवारे टीम के पास अब जाना होगा मेरे ख्याल से, संदीप गायकवाड़ को चर्चा करनी होगी टीम के साथ। एक टीम मैनेजर का रोल काफ़ी अहम होता है, टीम के खिलाड़ियों को उनमें जो पोटेंशियल है उसके बारे में बताना, आपको हमारी टीम में हमने क्यों जगह दी है, क्या रोल है आपका,
ये सब बातें टीम के मैनेजर को बताना जरूरी है खिलाड़ियों को। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी यहाँ पर मोहन पार्टी ना बरोबर विजय पार्टे ने, तो ये एक रन जरूर मिला, एक रन से बढ़ता हुआ टोटल दूसरे ओवर में रन अब तक आ चुका है सिंगल। लेकिन अमोल भोईर में क्षमता है, अमोल भोईर आने वाले 4 ओवर में भी 80 बना सकते हैं, ताकत है उनमें। गेंदबाज मनोज अमोल के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर। शशि जाडम्बर का वाइट बॉल का इशारा, इस वाइट बॉल के तहत टीम का टोटल बढ़ता हुआ 9 रन। अमोल और विजय, ये प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी है 40-40 वॉरियर्स की तरफ से। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से ये 4 रन आते हुए अमोल के बल्ले से। इन 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 13 रन। दूसरा ओवर चल रहा है, 13 रन मैंडेटरी पावर प्ले का दूसरा ओवर, जहां पर 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर आप देख सकते हो। डीजे बॉलिंग करने का फैसला किया है मैंडेटरी पावर प्ले में। पिछले मैच में हमने देखा 2 ओवर, शुरुआती 2 ओवर जब रिया 11 बिल्डर्स डेवलपर्स बल्लेबाजी कर रही थी, तो शुरुआती 2 ओवर में रन आए थे 25। 12.5 के औसत से अंपायर का नो बॉल का इशारा, 1 रन तो आ चुका है। अगली गेंद होगी फ्री हिट, फ्री हिट होगी अगली गेंद, जैसा चाहे वैसा मारो क्योंकि अगली गेंद होगी फ्री हिट। देखिए बवंडर आ चुका है, इस बवंडर में कौन सी टीम फंसेगी मैदान के अंदर। बवंडर आ चुका है 40-40 वॉरियर्स या फिर गुरु 11। कई लीग हमें करने का मौका मिलता है। ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, लेकिन ये फ्री हिट थी, फ्री हिट थी, खिलाड़ी जानते थे कि फ्री हिट थी। बॉलर की तरफ जाइए, बॉलर इंजर्ड हुए क्या, देखिए जरा उनके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये लीग का ये मैच तो आप जरूर खेलेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में आपको कई मैचेस खेलने हैं, उसके लिए आपका फिट रहना जरूरी। गुरु 11 बनाम 40-40 वॉरियर्स, प्रसाद थोरवे और गुरु मसने, दोनों टीम के फ्रेंचाइजी देखिए। 40-40 वॉरियर, 40-40 वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा। अमोल भोईर को एक योद्धा की तरह लड़ना होगा अपने फ्रेंचाइजी प्रसाद थोरवे के लिए, वहीं उस योद्धा के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी गुरु 11 के गेंदबाज मनोज भवारे को। बहुत ही जबरदस्त गेंद की रेंज तक पहुंचे और गेंद को ऐसा चमाट दिया कि गेंद सीधा गई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। से मैंने क्या कहा भाई, टीम मीटिंग 3 ओवर के बाद करनी है। चलिए आप देखिए, उन्हें बताइए, आप अगर ढीलापन दिखाएंगे तो मैदान में मैचेस जल्द नहीं होंगे।
देखिए, पानी लेकर 12th मान को ही जाना है। ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान आपके पास आपकी बोतल्स तैयार रहनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया, इस ओवर की शुरुआत की थी मकरंद दहिवलीकर ने, एक रन जरूर मिला। मकरंद को विकेट की तलाश है, मकरंद चाहते हैं अमोल भोईर का विकेट, क्योंकि वो जानते हैं ये विकेट अगर उन्होंने निकाला तो 70-60 के करीब इन्हें रोका जा सकता है, और ये अगर रुके रहे पूरा 5 ओवर तो 80 तक भी ये टोटल जा सकता है 40-40 वॉरियर्स का। और अमोल की भी सोच यही है कि उन्हें 5 ओवर खेल के दिखाने हैं, 50 रनों पर 5,000 का इनाम ज़रूर है, लेकिन उस इनाम से ज़्यादा ये अगर पूरा खेलते हैं। लेकिन ये देखिए, मकरंद दहिवलीकर ने जो मैंने कहा था, इनको इसीलिए बुलाया गया था गुरु गुरु 11 के कप्तान द्वारा कि आओ और एक विकेट निकाल के दो, और जिस विकेट का नाम होना चाहिए अमोल भोईर, तो ठोक डीजे। चालीस चालीस वॉरियर्स बनाम गुरु 11, करजत क्रिकेट की ताकत, करजत तहसील की क्राकट, इस ताकत इस करजत प्रीमियर लीग में हमें नज़र आ रही है। मुख्य ऑर्गेनाइजर की भूमिका में करजत खालापुर विधानसभा क्षेत्र आदरणीय विधायक महेंद्र सिंह थोरवे, राकेश पाटिल, राकेश पाटिल इनाट नंबर 3 की पोजीशन पर। लेकिन मकरंद दहिवलीकर ने अपने स्पेल के दूसरे ओवर में जो काम उन्होंने, उनको कप्तान ने सौंपा था, जो जिम्मेदारी उनके कंधे पर थी अमोल भोईर का विकेट निकालने की, उस जिम्मेदारी को पूरा किया है। इस ओवर की अब तक 2 गेंदें समाप्त हो चुकी हैं, 4 गेंदों का खेल शेष है। इस ओवर की तीसरे ओवर की तीसरी गेंद करेंगे मकरंद। स्लोअर वन की थी, टैप किया इसे शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर, सिंगल मिलेगा। 3 गेंदों में 2 रन आ चुके हैं और एक बहुमूल्य विकेट खोया है 40-40 वॉरियर्स ने। प्रसाद थोरवे साहब की ये टीम 40-40 वॉरियर, जिनके बदौलत इस लीग में इनाम भी है, व्यक्तिगत 50 कितने भी क्यों ना बने, 5,000 रुपए की धनराशि उनके द्वारा दी जाने वाली है। लेकिन ये फुल टॉस किया, उसका फायदा मिला बल्लेबाज को, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रन। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर ये 4 रन आते हुए, और इन 4 रनों के साथ 28 रन कुल टोटल आता हुआ, 28 रन। 3 ओवर में 10 की औसत से रन उतने ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से टेनिस बॉल की किसी भी प्रतियोगिता में। मकरंद दहिवलीकर देखिए फुल टॉस पे, फुल टॉस कर रहे हैं लेकिन तेज डाल रहे हैं, स्टेप आउट किया था बल्लेबाज ने। आप कहाँ पर थे, आप वेस्ट साइड का बीमर ज़रूर मांग रहे हैं, लेकिन आप कहाँ पर थे, स्टेप आउट किया था आपने, रिमाइंड करके देखिए tenniscricket.in की क्लियरिटी को, वो आपको बताएगी दूध का दूध पानी का पानी। राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक बार फुल टॉस, गेंद ने मिड ऑफ को चीरा है, गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ जा रही है, लेकिन 2 रन जरूर मिले और इन 2 रनों से बढ़ता हुआ टोटल 30 रन। 30 रन प्रति ओवर 10 के औसत से 3 ओवर के बाद ये रन आ चुके हैं। अब हम होंगे ड्रिंक्स की तरफ, हम बढ़ेंगे, ड्रिंक्स ब्रेक होगा, लेकिन तब तक हम सुनेंगे डीजे अक्षय को।
शुक्रिया। चलिए, 3 ओवर के बाद रन संख्या बनी है 30 रन। फील्डिंग करने वाली टीम गुरु 11 के कप्तान जो है वो खुश होंगे, क्योंकि 10 रन प्रति ओवर उतने ज़्यादा रन माने नहीं जाते। 50 तक अगर ये टीम रोकती है आने वाली 12 गेंदों में 40-40 वॉरियर्स प्रसाद थुरवे की इस टीम को, तो यकीन मानिए उनके जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि और वहीं दूसरी तरफ अगले 2 ओवर में यहाँ पे बने हैं 30, तो अगले 2 ओवर में 35-40 रन की सोच होनी चाहिए, ताकि 65-70 के करीब ये टीम जाए। स्ट्राइकर इन पर अगर हम देखें, राकेश पाटिल, लेकिन गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे रोशन भोयर। केपीएल का ये थ्रिल और सस्पेंस, 3 ओवर में 30 रन आ चुके हैं। रोशन की गेंद राकेश के लिए, ओवर पिच गेंद थी, उसका फायदा उठाया, सही नसीहत दी, 6 रन मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। ऐसी गेंदबाजी नहीं चलेगी, आपको पता होना चाहिए पिछले 2 गेंदबाजों ने कितनी मेहनत की है। 30 और 6 बनेंगे 36। डीजे शुक्रिया। तो चलिए, जनता जानती है कि काम करने वाला इंसान कौन है, जनता जानती है करजत खालापुर की कि हमारा नेता महेंद्र थोरवे जैसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बेरोजगार युवकों के हाथों में जिन्होंने रोजगार दिया, करजत खालापुर का विकास ही उनका ध्यास है आने वाली पीढ़ी के लिए। क्रीड़ा संकुल यहाँ पर आने वाला है, तो ये सब सोचने वाली बात है। एक विधायक आपके काम कर रहा है, तो ये गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर एक आसान सा क्या, 6 के बाद गेंदबाज ने लिया रिवेंज, मिला विकेट डीजे मास्टर को, एक और मौका लगातार दूसरा। तो चलिए मैच की तरफ चलेंगे। प्रसाद थोरवे की ये टीम 40-40 वॉरियर्स, वहीं गुरु मसने साहब की ये टीम गुरु 11 जो फील्डिंग कर रही है। 36 रन विकटें जा चुकी है, 2-2 विकटों के नुकसान पर 36 नए बल्लेबाज। तेजस रूठे ना, रूठे तेजस रूठे गेंदबाज। देखिए, गेंदबाज ने पहली गेंद के ऊपर 6 खाया था, लेकिन उसके बाद निकेश राउत हमारे स्कोरर आ चुके हैं। ये जड़ में डाली गई थी, अच्छा यॉर्कर, और ये क्या हुआ, रन आउट का विकेट हमारे संदीप गायकवाड़ के चेहरे पर खुशी, तो वही शमशान की तरह सन्नाटा 40-40 वॉरियर्स के खेमे में। डीजे शुक्रिया ऋषि। विजय पार्टे के बारे का अंत हो चुका है रन आउट के तौर पर। हेलो, तो ये व्हाइट बॉल का इशारा आ चुका है, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टोटल 37 रन ओवर नंबर चल रहा है चौथा। 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। निकेश राउत हमारे साथ ही स्कोरर, तो जरूर इस टीम के फ्रेंचाइजी और जिन्होंने इनाम लगाया है व्यक्तिगत 50 में 5,000, प्रसाद थोरवे साहब, इनका मंच पर आगमन हो चुका है।
उनका हम जरूर हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ से, करजत प्रीमियर लीग की तरफ से जोरदार स्वागत करेंगे। तो कल यहाँ पर इसी ग्राउंड के ऊपर करजत प्रीमियर लीग में आपने एक एग्जीबिशन मैच देखा, करजत बनाम खालापुर। उसके बाद अब एक और एग्जीबिशन मैच आपके सामने आने वाला है, रायगढ़ बनाम ठाणे। ये बहुत बड़ी लड़ाई है रायगढ़ और ठाणे के बीच की, क्रिकेट के मैदान पर, वरना सभी दोस्त है, दोस्ताना माहौल है रायगढ़ और ठाणे के बीच, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर ना ठाणे के दर्शक ये चाहते हैं कि कौन आकाश तारेकर और केतन म्हात्रे ठाणे की तरफ से कप्तानी करेंगे, केतन म्हात्रे, और रायगढ़ की तरफ से कप्तानी करेंगे। दोनों तरफ बाइकर मैन है, दोनों तरफ बाइकर मैन है, एक तरफ रायगढ़ के बाइकर मैन तो दूसरी तरफ ठाणे के बाइकर मैन। गेंदबाज रोशन भोईर, काफी अच्छी गेंद डाली गई। देखिए टीम मैनेजर हमारे संदीप गायकवाड़, जो फील्डिंग करने वाली टीम के टीम मैनेजर है, थोड़े से खुश है, लेकिन प्रसाद थोरवे साहब की 40-40 वॉरियर थोड़ी सी संकट में जरूर है, लेकिन एक ओवर में अगर 20-25 रन आए तो मैच का पासा पलटने में देर नहीं लगती। सैंतीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर, ये शायद अपील की गई लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। कीपर देखिए कितने चालाकी कर रहे हैं, कीपर के साथ साथ पीछे तीन खिलाड़ियों ने भी बेच के अपील की, लेकिन इन्हें पता नहीं अंपायर शशि साटम का भी एक जमाना था क्रिकेट की दुनिया में, गेंद को गोटी बनाते थे, छक्का मारते थे तब। और ये विकेट मिलता हुआ यहाँ पर, और इस विकेट के साथ रन संख्या वहीं पे रुकी हुई है 38। डीजे के बीच का जो मैच हो रहा है, हम ठाणे की टीम अगर देखें तो केतन म्हात्रे, विशाल पाटिल, ओमी केणी, धीरज भोयर, सूरज केणे, किरण पाटिल, पवन केणे, भावेश पवार, हिमांशु पाटिल, श्याम चौधरी, बिलाल शेख, ऋतिक पाटिल, आर्यन भोयर, अयुब शेख और मयूर दातिलकर, ये ठाणे की टीम है। आज रायगढ़ की शाम को हम लिस्ट जरूर बताएंगे। रायगढ़ बनाम ठाणे, टोटल आ चुका है 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 38। 50 के अंदर रोकने का मौका, लेकिन ये फाइनल बाउंड्री के बाहर गेंद ट्रैवल होगी, जबरदस्त हिटिंग इस आखिरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर, ये छक्का आया। मैंने पहले ही कहा था डरना नहीं है 40-40 वॉरियर्स को, एक ओवर भी 20-25 रन वाला आ सकता है। पहली गेंद के ऊपर छक्का दागा बल्लेबाज तेजस रूठे ने। दरम्यान अपन सनशाइन डेवलपर्स विपक्ष रिया 11 यानंतरची मॅच दोन्ही कॅप्टनला इन्व्हाइट करूया टॉससाठी, आपण या ठिकाणी उपस्थित व्हायचे। राइट हम राउंड द विकेट, फिर से एक बार क्या होगा, लगातार दूसरा स्कोरिंग शॉट तो है ही, अंपायर का इशारा होना जरूरी। सूर्यकांत अडावसर का 4 रनों का इशारा, 2 गेंदों में आए हैं 10 रन। इसी तरह इरादा करो पक्का, गेंदबाज को दो धक्का, ऐसा लगाओ छक्का की गेंदबाज हो हक्का पक्का। टॉस के लिए मैं दोनों कप्तानों को बुलाना चाहूँगा, रिया 11 बिल्डेज डेवलपर्स कर्जत बनाम सनशाइन डेवलपर्स कर्जत, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जैसे ही ओवर खत्म होगा
आपको टॉस के लिए आना है और टॉस बॉक्स में होंगे संदीप गायकवाड़। सनशाइन डेवलपर्स के कप्तान है कौशल गुरव और विजय पवार। एक मैच जीत चुके हैं विजय पवार। आज का जो पांच का पोल है ये अच्छी गेंद, अच्छी वापसी गेंदबाज साई मसने की, और अच्छी वापसी करनी जरूरी थी। स्लॉग ओवर में आपको अच्छा करना जरूरी है। पिछला मैच हमने देखा 83 रन बनाए राजेश मोड़क साहब की रिया 11 बिल्डर्स डेवलपर्स कर्जत ने, और उन रनों के बोझ तले दबती हुई हमें नज़र आई। गुरु 11 ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, अब तक रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 40-40 वॉरियर्स के। इस विकेट के जाने के बाद 48 डीजे। उन्हें डीजे मास्टर को आप भी कि रेडी है खिलाड़ी खेलने के लिए, तो अपने आप डीजे बंद होगा। नहीं नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहां पे प्ले के लिए रेडी थे सब। और ये विकेट जा चुका है, तो फिर से एक बार हमारे डीजे को मौका मिलता हुआ। तो चलिए ये गेंद, एक रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, और इस दूसरे रन के कारण टीम का टोटल बढ़ता हुआ 50 रन। देखिए 10 रन प्रति ओवर, काफी अच्छी गेंदबाजी की है। मैं तो कहूंगा दोपहर के सत्र में मैंने कई कप्तानों से जब पूछा आज के पोल में खेलने वाले, तो उन्होंने कहा दोपहर के सत्र में अगर हमें पहली बल्लेबाजी करनी हो तो 60+ रन होना जरूरी है, लेकिन 50 का भी बचाव किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता। अगर आप काफ़ी अच्छी गेंदबाजी आपकी हो, दो ओवर में 15 के आसपास रन दे, तो ये 50 रन वाला मैच भी एयर टाइट हो सकता है। लेकिन हम टॉस बॉक्स में चलेंगे जहां पर कुशल गुरव होंगे सनशाइन के कप्तान और विजय पवार होंगे रिया 11 बिल्डर्स डेवलपर्स करजत के कप्तान। थैंक यू धन्यवाद प्रवीण सर। मी प्रसाद भाई थोरवे यांना विनंती करतो, या आपल्या शुभास्त नाणेफेकचा कौल या ठिकाणी करूया। तर मी पिंटू दादा मसने यांना विनंती करतो, या आपल्या शुभास्त नाणेफेकचा कौल या ठिकाणी केला जाईल। सनशाइन डेव्हलपर्स विपक्ष रिया 11। अंपायर्स के लिए पानी लेकर जाइए प्लीज, ऑर्गेनाइजर कमेटी। अंपायर्स के लिए मैदान के अंदर पानी का होना जरूरी है। टॉस आपण पाहतो या ठिकाणी होतोय, सनशाइन डेव्हलपर्स विपक्ष रिया 11। कॉल आहे रिया 11 चा,
आणि सनशाईन डेव्हलपर्स टॉस या ठिकाणी विन झाला आहे. कुशल मनापासून वेलकम टू द के पी एलचा थरार आणि पुन्हा एकदा गाजणार या कर्जत तालुक्याचा क्रिकेटचा गुणस्थान. टॉस जिंकलेलो आम्ही, फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्डिंग करू. पहिली मॅच आहे आमची, तर थोडं वॉर्म अप होणं गरजेचं आहे, त्यासाठी आम्ही फिल्डिंग करू. कसं वाटतं डे नाईटचं फॉर्मॅट आणि कर्जत टेनिस क्रिकेटमध्ये अनोखा एक वेगळा उपक्रम? फर्स्ट टाईम डे नाईट टुर्नामेंट आयोजित केले, पण ज्या अपेक्षा होत्या तशाच प्रकारे इथे ते पूर्णतात आणलेलं आहे. आणि जे आयोजक आहेत आणि कमिटी मेंबर्स, खूप चांगलं आयोजन इथे केलेलं आहे, जेणेकरून जे कर्जत खालापूरची आमची शो मॅच झाली त्यामध्ये खालापूरचे बरेचसे प्लेयर आम्हाला बोलून गेले की आमच्याकडे जर असं आयोजन असेल तर आमचे प्लेयर्स भरपूर खुश होतील. तुमच्याकडे आयोजन खूप चांगलं करतात कर्जतमध्ये, आम्हाला कधीच असं आयोजन नाही मिळालं. म्हणजे दररोज जे 3 वर्षापूर्वी जे आपण ऐकत होतो का खालापूर पनवेल यांचं क्रिकेटचं आयोजन खूप सुंदर असतं, म्हणजे आज तोडीस तोड उत्तर देण्यासाठी एक समालोचक म्हणाला होता का सध्याच तोडीस तोड उत्तर देतात, पण आज छाती ठोक पूर्ण सांगू शकतो का रायगडमध्ये आमच्यासारखं उत्तम आयोजन कोण करू शकत नाही आहे. तर मनापासून शुभेच्छा असतील तुला. विजय, पहिली मॅच या ठिकाणी विजय झाला आहे. समोर फलंदाजीचा पुन्हा एकदा आव्हान, प्रथमतः फलंदाजी करताना 84 पटकवल्यात, आत्ता पुन्हा एकदा हा फलंदाजी तुमच्या वाटेला आले, काय विचार असेल, कशाप्रकारे खेळायचा विचार असेल का समोर कर्जतचा वंडर बॉय कुशल गुरव तुझ्यासमोर आहे? परत 60+ रन बनवायचा आम्ही प्रयत्न करू. जरूर मी जास्त वेळ घेणार नाही विजय, पण एक अपेक्षा असेल, मी नेहमीच बोलून दाखवले का दादा मला तरी रायगड टीममध्ये विजय पवार हा खेळताना दिसला पाहिजे. तर विजय तुला माझ्याकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील, तर जरूर आपण जाऊया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जिथे आमच्यासोबत जोडले गेलेत हिंदीची मुलतानी तो प्रवीणजी दुकाडे सर. 30 गेंदों और 51 रनों की जरूरत. स्ट्राइकर एंड पर बकरन दहिवलीकर ने पहली गेंद को खेला है, मिड ऑन के ऊपर से गेंद जरूर ट्रैवल होगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर. 4 रन. अमोल भोईर ने इस ओवर की शुरुआत की थी. निश्चित रूप से संदीप गायकवाड़, बिल्कुल आपने सही कहा, ये खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन और किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर आप लाइव क्रिकेट देखते हैं तो अलीबाग चैंपियन ट्रॉफी को भी आज रात देखिए जरूर. तो इस मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर पहली गेंद के ऊपर 4 रन आ चुके हैं, 51 रनों का पीछा करना है, 47 की दूरी चेस करनी है. फिर से एक बार स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर अपने रफ्तार के साथ बीट किया अमोल भोईर ने. देखिए ये जो मैच है ना, ये मैच डॉट गेंदों की परसेंटेज पर है, कितनी ज़्यादा डॉट गेंदों की परसेंटेज आती है. प्रसाद दत्त थोरवे की टीम जो फील्डिंग कर रही है, जो डिपेंड कर रही है 40-40 वॉरियर्स. फुल टॉस किया, अच्छी फील्डिंग वहां पे, 1 रन जरूर मिला. अपने आप को कोस रहे होंगे मकरंद की गेंद का, गेंद को उन्होंने गैप में क्यों नहीं खेला. 51 रनों का पीछा करना है, 5 रन उनमें से आ चुके हैं, 3 गेंदें समाप्त हो चुकी है, 46 रनों की जरूरत है आने वाली 27 गेंदों पर. मोहन पारधी देरल ममदापुर का ये बल्लेबाज कवर्स में खेला, बहुत ही बढ़िया लाइन को पिक किया और कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर 6 रन. क्रिकेट की खूबसूरती बयां करने वाला ये मोहन पारधी का स्ट्रोक. ठोक डीजे. शुक्रिया. और 6 के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 11 रन. देखिए यहाँ पर रॉबिन राउंड मेथड नहीं है, रन रेट का मसला है, तो अगर सामने वाली टीम को आप कम में रोकोगे और जल्द से जल्द जीतोगे तो आपके रन रेट पर भी बहुत बड़ा असर होता है. लेकिन फिलहाल यह विकेट मिलता हुआ मोहन पारधी का, अमोल भोईर ने इस मैच में वापसी के द्वार पिला के खड़ा किया है 40-40 वॉरियर्स प्रसाद थोरवे साहब की इस टीम को. डीजे शुक्रिया. तो नए बल्लेबाज
साई मसने साई मसने है। चलिए टेनिस क्रिकेट वाले भी अपने दोस्त ही है, गौरव सावंत अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश साई मसने द्वारा, तो अंपायर का ओवर समाप्ति का इशारा। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल आ चुका है 11 रन, औसतन मैं तो कहूंगा रिक्वायर्ड जो रन रेट है प्रति ओवर 10.20 की, 11 की औसत ने यकीन मानिए उन रिक्वायर्ड रन रेट को मेंटेन रखा है। चार ओवर में अब 40 रनों की जरूरत है 10 की औसत से, लेकिन एक अच्छा ओवर आना जरूरी है टीम 40-40 वॉरियर्स के लिए गुरु 11 के खिलाफ। और गुरु 11 ये चाहेगी जो रिक्वायर्ड रन रेट 10 का है, 24 गेंदों में 40 की जो जरूरत है, एक ओवर में अगर 15-16 रन आए तो रिक्वायर्ड रन रेट कम हो सकता है। वहीं 40-40 वॉरियर्स के कप्तान की गेंदबाज की सोच यही होगी कि हम यहाँ पर अगर एक अच्छा ओवर करेंगे, एक दो विकेट निकालेंगे या फिर विकेट भी ना निकले लेकिन अगर 3-4 रन वाला ओवर हम करेंगे तो आने वाले गेंदबाज को हमारे विकेट मिलने के चांसेस जरूर होते हैं, क्योंकि वो दबाव होता है रन रेट को बढ़ाने का, वो दबाव जो होता है बल्लेबाजों के ऊपर वहाँ पे आपको विकेट निकालने के चांसेस होते हैं। ये क्रिकेट है, क्रिकेट हमेशा हम कहते हैं कि फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। मैं मानता हूँ क्रिकेट में फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ मेंटली फिट होना भी ज़रूरी। पंकज मस्कर ने गेंदबाज, मेंटली फिट होना भी ज़रूरी है क्योंकि आपकी टेम्परामेंट की परीक्षा होती है। फिजिकल तो आपकी होती है क्योंकि आप फिट नहीं होते तो अच्छा कैच नहीं लपक सकते, अच्छा दौड़ नहीं सकते, अच्छी गेंदबाजी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सकते, लेकिन मेंटली आप कितने फिट है कि यहाँ से यहाँ पर इस सिचुएशन से भी हम वापस आएंगे, ये आपके मेंटली फिट होने का प्रमाण है। गेंदबाज पंकज मस्कर, स्ट्राइकर इन पर मकरंद देवलीकर, मकरंद देवलीकर गैप में गेंदों को खेलना इनकी आदत है। डॉट गेंद आई 30 गेंदे अब 40 रनों की जरूरत। यहां से भी प्रसाद थोरवे साहब की 40-40 वॉरियर्स इस मैच में बनी है, 50-50 प्रतिशत ये मुकाबला है। विकेट अगर निकालेगी एक दो इस ओवर में गेंदबाज पंकज मस्कर, अगर विकेट निकालेंगे तो पूरी तरह से वापसी होगी। इस ओवर की पहली गेंद डॉट जा चुकी है। पंकज मस्कर राइट आर्म राउंड द विकेट, स्टेप आउट किया, गेंद हवा में कैच होने की संभावना और यह जबरदस्त कैच लपका सीधा लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर सोने ने डीजे। तो इनर नंबर 4 की पोजीशन पर आ चुके हैं प्रतीक शिंदे, इनर नंबर 4 की पोजीशन पर आ चुके हैं। लेकिन देखिए इसी तरह अगर गेंदबाजी, जो बात मैंने की थी बॉलर पंकज मस्कर को क्या करना है, कम से कम रन और एक दो विकेट, और उसमें मकरंद देवलीकर की विकेट थी जो गैप में गेंदों को मारना पसंद करते हैं, जिनके आउट होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं क्योंकि बाउंड्रीज लगाते हैं, 6 के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं करते, और जैसे उन्होंने 6 के लिए कोशिश की उनका विकेट जाता हुआ आपको नज़र आया। ये क्रिकेट है भाई, यही तो हमें सिखाता है कैपेसिटी, आपके अंदर जितना पोटेंशियल है उसी का इस्तेमाल करो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की कोशिश की थी यहाँ पर मकरंद देवलीकर ने और सीधा कैच दे बैठे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर। गेंदबाज पंकज राइट आर्म राउंड द विकेट, फुल टॉस की थी, ये चिकी सिंगल पूरा किया और चिकी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ टोटल 12 रन। काफ़ी देर तक 11 पर गाड़ी अटकी हुई थी, नेल्सन आंकड़े पर विकेट में मिला। 3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, 3 गेंदों में महज 1 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है। पंकज मस्कर क्या यू टर्न वाला ओवर करेंगे, गेम चेंजर बनेंगे इस मैच के। साई मसने
और साहिम हसने ने इस गेंद को खेला हवा में, लेकिन हवा से बातें करती हुई गेंद गई सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रन। लंबा छक्का लगाया साहिम हसने ने गुरु 11 की तरफ से, गुरु भाई हसने जिनकी ये टीम है। और दूसरी तरफ 40-40 वॉरियर्स, प्रसाद थोरवे साहब की टीम। अट्ठारह रन औसतन देखिए, 10 के औसत से 40 बनाने थे 4 ओवर में, 10-25 के औसत थे, 51 बनाने थे 5 ओवर में। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, एक बाउंड्री एक छः आया। पहली 3 गेंदें अच्छी डाली थी गेंदबाज पंकज मस्कर ने, मुझे ऐसा लगा कि मैच में वापसी वाला ओवर वो करेंगे, लेकिन साहिम हसने ने जाना कि ओवर उनकी टीम के लिए काफ़ी महंगे साबित हो रही है, तो वहाँ पर उन्होंने एक छक्का दागा लॉन्ग ऑन के ऊपर से आर पार स्टेडियम पार, और उसके बाद शॉर्ट ऑन पुल के जरिए गेंद को भेजा स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद, टोटल आ चुका है 22। 11 रन प्रति ओवर औसत से 51 रनों का पीछा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इस ओवर की एक गेंद शेष। लेकिन अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के तहत 23 पे आता हुआ टोटल 27, 28 रनों की अभी भी जरूरत। इस इनिंग की अगर देखा जाए तो पहला एक्स्ट्रास डाला गया बॉलर पंकज मस्कर द्वारा। इस ओवर की आखिरी गेंद, राइट आर्म राउंड द विकेट, ऑन साइड के ऊपर मारने की कोशिश की, अरे मार भाई, हाथ में रख कर के आचार डालेगा, मारना था, मौका था वहां पे। देखिए मौका था वहां पे और उस मौके का फायदा उठाना चाहिए था, मौके का फायदा उठाना चाहिए था, क्योंकि जिस अंदाज से ये मौका मिला था, मौके बार बार नहीं मिलते, ये क्रिकेट है भाई, ये लाइव है, ये कोई फिल्म नहीं है जहां पर आपको बार बार रिटेक्स मिलेंगे गलतियों पर, ये लाइव है, यहां पर आपको हर शॉट वन टेक में ओके करना है। लेकिन फिलहाल मैच की तरफ हम चलेंगे, बची हुई गेंदे हैं 18 और जीत के लिए ज़रूरत है 27 रनों की, 18 गेंदे और 27 रनों की जरूरत। गेंदबाज अमोल भोईर जो अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। तो कौशल गुरव को मैं अपने कमेंट्री बॉक्स में बुलाना चाहूँगा, प्लेइंग 11 लिस्ट आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। 18 गेंदे 27 रनों की जरूरत, अमोल भोईर ने एक अच्छी गेंद डाली, लेकिन गेंद हवा में ज़रूर थी, कैच होना ज़रूरी था, रन मिलेंगे 2। तो देखिए साहिम हसने ने इससे पहले वाली गेंद के ऊपर बेहतरीन 6 लगाया था, उसके बाद सिंगल हासिल की, टीम का टोटल 51 का पीछा करते हुए गुरु 11 33 रन। अभी भी 18 रनों की जरूरत है और गेंदें बची है 15 गेंदें 18 रनों की जरूरत, गेंद हवा में है और ये बेहतरीन 6 बल्लेबाज।
प्रतीक शिंदे ने ये छह लगाया और इस छह के साथ टोटल आता हुआ 39 रन, 12 रनों की जरूरत। ओवर नंबर चल रहा है तीसरा, लेकिन तीन ओवर में हमारे निकेश रावत इतने अच्छे स्कोरर हैं, उन्होंने बताया कि पहले ओवर की चौथी गेंद के ऊपर छः आया, उसके बाद पंकज मस्कर ने जो ओवर नंबर दूसरा किया वहां पर चौथी गेंद पर छः आया, और अमोल भोईर ने जो अपने स्पेल का दूसरा ओवर किया दो छक्के जरूर खाए लेकिन चौथी गेंद पर भी एक छक्का आया, तो चौथे नंबर की गेंद लकी है गुरु इलेवन के लिए। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला शिंदे ने, एक रन जरूर मिला। धीरे धीरे देखिए इनके पक्ष में ये मुकाबला आता हुआ, 40-40 वॉरियर्स की गेंदबाजी में वो धार वो पहनापन नजर नहीं आया जो 50-51 रनों को बचा सके, क्योंकि ये आपकी परीक्षा होती है जब आप यहाँ से क्वालिफाई होके नॉकआउट में जाते हैं तो वहाँ कभी कभी आपके रन नहीं बनते, 50-55 तक आप सीमित रहते हैं, तब आपको ये विश्वास होता है कि हम इन रनों को बचा सकते हैं। दो रन बनाए गए और इन दो रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई तीन ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 12 गेंदे अब 9 रनों की जरूरत, 12 गेंदे 9 रनों की जरूरत, पानी लेकर जा रहे हैं खिलाड़ी। तब तक हम सुनेंगे डीजे को। शुक्रिया डीजे, 12 गेंदे, धन्यवाद डीजे। करजत प्रीमियर लीग सातवां पर्व है ये और चौथे दिन और रात में आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। 12 गेंदे 9 रनों की जरूरत है, गेंदबाज राकेश पाटिल गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। भड़वल भड़बड़ के गेंदबाज लेकिन स्ट्राइकर एंड पर शिंदे, प्रतीक शिंदे स्ट्राइकर एंड पर 12 गेंदे 9 रन। साई मसने ने इस मुकाबले को घुमाया, जिस तरह से बीच में आए आक्रामक रुख अपनाया उन्होंने और मैच को अपनी तरफ खींचे, अपनी टीम गुरु इलेवन की तरफ। 22 के निजी योगदान पर खेल रहे साई मसने, ये डॉट गेंद आई। अब 11 गेंदे 9 रनों की जरूरत, क्रिकेट है भाई, कड़ाव ने इतिहास रचा था, 7 गेंदे डॉट डाली थी। क्रिकेट है अनिश्चिताओं का खेल है, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेंसी। और कल 6 गेंदे 4 रन नहीं हुए, सुप्रीमो जैसी बड़ी ट्रॉफी में उनका सम्मान किया गया जिन्होंने ये गेंदे डॉट डाली थी, लेकिन लेग स्टंप पर ये गेंद है और इसे खेला फाइन लेग की तरफ, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। चार रन और इन 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 46, 5 रनों की दूरी, 5 रनों की दूरी। टेनिस क्रिकेट डॉट इन के जरिए हम इस मैच का लाइव मज़ा ले रहे हैं, जो दर्शक लाइव मज़ा ले रहे हैं उनसे ज़रूर मैं कहना चाहूँगा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूले। देखिए मैच अगर आखिरी ओवर तक जाए, 2-3 रन बचे रहे तो मज़ा आएगा, रन रेट में भी वो मसला आता है, फिर मैच को लंबा खींचना है और लंबा खींचते खींचते जीतने की कोशिश करनी है 40-40 वॉरियर्स को।
सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, वन बाउंस सीधा चार, और चार के साथ टोटल आता हुआ संदीप गायकवाड़ के चेहरे पर खुशी यहाँ पे नजर आती हुई। 50 रन पूरे हो चुके हैं, स्कोर इज लेवल, एक रन की दूरी। देखिए लीग में आप अगर, धन्यवाद डीजे, लीग में मैच अगर बराबरी पर भी आपका छूटता है तो आपको फायदा है, एक एक पॉइंट आपको मिल सकता है, लेकिन इस मैच को आसानी से जीता गुरु इलेवन ने। साई मसने ने एक जबरदस्त इनिंग खेली, बीच में आके 54 रन हो चुके हैं और ओवर समाप्त हो चुके हैं, 3 ओवर 5, 3.5।